तो बहुत करे लेकिन पूरा को नहीं करे एक भी। अगली खबर है हरियाणा के रेवाड़ी ते। रेवाड़ी के सेक्टर 4 में राजकीय कन्या विद्यालय के बारे में कहने लग रहे हैं कि यो विद्यालय विकल्प संस्था ने लीज पर दे दिया, जिसका बेरा पाट दिए लोग इसका कड़ा विरोध करने लग रहे हैं। और विरोध दे नहीं, इस मामले ने पूरा राजनीतिक रूप ले लिया। बात का बेरा पाट दिए राजनीतिक दल एक दूसरे पर जबानी हमला बोलने लग रहे हैं। रेवाड़ी के कई राजनीतिक दल और कई सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि और पूर्व विधायक रणदीप कापड़ीवास के संयोजन में एक सांकेतिक तौर पर धरना दिया। और धरने के बाद उनने 11 जून की तारीख का ऐलान किया है, अभी 11 जून न हम इसके ताला ला देंगे। इसके बाद विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने जिला उपायुक्त अपनी मांगा खातर ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि निजी संस्था तो यो भवन जितना तावड़ा हो उसका उतना तावड़ा खाली करा दो। अगली खबर से हरियाणा के साबात है। किसानों और प्रशासन के बीच में तनातनी चलने लग रही है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के किसानों ने साबात रेस्ट हाउस में आगामी जो 12 जून की पीपली में होने वाली रैली है उसने लेके यूनियन पदाधिकारियों के गिल बैठक करी। यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि 12 जून ने पीपली में किसान रैली ने लेके सारे पदाधिकारी ड्यूटी पर लाग जाओ और जिसने जो काम मिला है वो उसने पूरा करो। बैठक में किसान नेता ने पदाधिकारियों से बताई कि भी थारी या ड्यूटी सर तुमने यो करना है। किसान नेता ने कहा कि रैली में पूरे देश के आदमी जुड़ेंगे, हर वर्ग के आदमी रैली में पहुंचेंगे। और आगे उन्होंने कहा कि जब 12 जून ने पुलिस प्रशासन ने मारे के लिए किसी भी तरह का बल प्रयोग कराया तो इब काल हम भी शांत नहीं बैठांगे। अगली खबर है सोनीपत हरियाणा से। सोनीपत में बिजली चोरी रोकने खातर बिजली विभाग के सीनियर सुपरिटेंडेंट GR तंवर के नेतृत्व में चोरी के खिलाफ तबड़तोड़ छापेमारी करने लग गए हैं। छापेमारी में कई बिजली चोर पकड़े गए हैं। छापेमारी के दौरान इब तक 598 बिजली की चोरी पकड़ ली है, जिसमें बिजली चोरा के ऊपर 1,41,51,000 रुपया का जुर्माना लगा दिया। बिजली चोर कई दिन तक सरकार का चूना लान लग रहे थे, जहाँ तक बिजली विभाग ने यह कार्रवाई करी। छापेमारी के दौरान इब तक 1 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी कर ली बिजली विभाग ने। अगली खबर है चंडीगढ़ से। पिछले कई दिन से बीजेपी JJP का गठबंधन है, लेकिन कई डाल की बात सुन लग रहे हैं और कई डाल की बात देखने लग रहे हैं। दोनों पार्टियां के नेता मौका मिलती है जुबानी हमला करने का कोई मौका नहीं चूक रही। चंडीगढ़ में बीजेपी JJP गठबंधन है, लेकिन लगातार बैठक होने लग रही है और लगातार नेताओं की मुलाकात होने लग रही है। हरियाणा में गठबंधन ने लेकी उठापटक बीजेपी प्रभारी विप्लव देव का बयान के बाद हुई थी और ये विप्लव देव ने CM मनोहर लाल से मुलाकात करी है। आमने लागे है इस बैठक में गठबंधन ने लेकी भी जरूर बातचीत हुई होगी। बैठक के बारे में बताओ है कि 2024 के जो चुनाव होने हैं बैठक उन मंथन ने लेकी हुई है। बैठक के बाद CM मनोहर लाल बताएंगे कि उन बैठक में के बातचीत करी के फैसला लिया आगे खातर। अगली खबर है हरियाणा के टोआणे से। टोआणा गांव में अपराधियों ने किसी का डर नहीं लगता। उनके हौसले इतने बुलंद है कि आम आदमी ने तके वो सरकारी आदमियों ने भी नहीं छोड़ रहे। माइक्रो डिपार्टमेंट इरिगेशन अथॉरिटी के बंसीलाल का पहली तो 6 लोगों ने अपहरण कराया और फिर उसके साथ में मारपीट करी। तुमने बता दिया कि JEE फिलहाल अस्पताल में भर्ती है जड़े उसका इलाज चलने लग रहा है। मामले में सदर पुलिस की टीम ने 6 लोगों पर केस दर्ज करके ने जांच शुरू करी है। पुलिस उन्हें पकड़न की कोशिश में है। अगली खबर है हरियाणा के अम्बाला। हरियाणा सरकार बालका की शिक्षा ने बढ़ाने खातर लगातार उस पर काम करने लग रही। रोज नई नई स्कीम और नई नई योजना लाने लग रही। ईव शिक्षा विभाग ने बालका की फिटनेस पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। अम्बाला के पुलिस DAV पब्लिक स्कूल में गर्मी की छुट्टियां में एक समर कैंप का आयोजन कराया जाएगा। यो कैंप चलेगा 10 जून तक। कैंप में पहली क्लास से लेकर 9वीं तक के लगभग 800 बालक हिस्सा लेंगे। सारे बालक बॉक्सिंग, बैडमिंटन, क्रिकेट, योग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्गी और भी घनी गतिविधि है खेल से प्रतियोगिता से उनमें भाग लेंगे। इसने लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल विकास कोहली ने बताया कि कैंप में सारी गतिविधि होंगी, जितने भी मास्टर कोच हैं सारे के सारे आड़े प्रशिक्षित होंगे। प्रशिक्षित कोचा के द्वारा कोरियोग्राफी और ये सारी गतिविधि करवाई जाएंगी। उनने कहा कि इस डाल के कैंप आए साल होने चाहिए क्योंकि इससे बालका का बहुत फायदा है। बालका के घराले भी नुए चाव है कि उनका बालक इस तरह की गतिविधियां में हिस्सा ले, खुश रहे, दिमाग के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ उनका शरीर का भी विकास हो। अगली खबर है हरियाणा का इंद्री। हरियाणा के विकास और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली करनाल के गोंदरगाम में पहुंचे। गोंदरगाम में एक प्रोग्राम था जड़े देवेंद्र सिंह बबली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने विकास के काम की कोई कसर नहीं छोड़ रखी। विकास के काम का सरकार का दौरा धन की कोई कमी को नहीं, धन से ही कितना ही ले लो।
गांव का विकास गांव पंचायत और जिला समिति और जिला परिषद पर निर्भर करे से। थम काम करवाने वाले बनो सरकार के द्वारा पीछे की कोई कमी को नहीं और न थमने कमी आन दिया। सरकार ने विकास खातर थार्थ यो अधिकार दे रखा है। मारे द्वारा विकास के खातर ग्राम पंचायत पंचायत समिति या फिर जिला परिषद के माध्यम से जो भी प्रस्ताव आवे हैं उनके आधार पर सरकार थमने पीछे दे है। थम चाहो उतना विकास करवा सको और चाहो उतने पीछे ले सको हो। अगली खबर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने चंडीगढ़ और पंचकुला में CGHS स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि CGHS स्वास्थ्य सुविधाएं के जितने भी लाभार्थी हैं उनके खातर केंद्र सरकार तावड़िए ई वाउचर की सुविधा शुरू करेगी। केंद्रीय कर्मचारी और पिल्सन लेनिया ने इब स्वास्थ्य सेवाएं खातर कोई कार्ड या दस्तावेज लेके न सेंटर पर जाने की जरूरत कोनी पड़े। अगली खबर है हरियाणा के रोहतक से। पिछले कई दिन आते JJP और BJP के गठबंधन ने लेकिन खींचतान शुरू हो रही। दोनों पार्टियां के नेता एक दूसरे पर बयानबाजी करने लग रहे हैं लेकिन हमने ऐसा लागे से यह खींचतान खत्म होंगी दिख दी को नहीं। रोज किसी न किसी का बयान आ गया है जो आग में घी का काम करे है। ई विरोध तक पूछे डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने BJP प्रभारी विप्लव देव तई जवाब दिया है। इनका जवाब विप्लव देव द्वारा पूछ दिए विप्लव देव का जवाब आ लेगा। यो लेना देना कई दिन तक चल रहा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसी ने किसी पर कोई शान को नहीं करया। गठबंधन होने पहली केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दिल्ली निवास पर दोनों पार्टियां के नेता मिले थे। दोनों ने चर्चा करी थी और जिस दोनों की आपसरी में बात बनी थी जहाँ यो गठबंधन होया था ना किसी ने किसी पर शान करया और यो गठबंधन जिद होया था जिद उनकी मोर लगी थी। अगली खबर से हरियाणा के यमुनानगर से एक 10वीं की छात्रा का शव कई टुकड़े में मिला है। लड़की के परिजना का कहना है लड़की पिछले कई दिन आते मानसिक परेशानी से जूझ रही थी। उसकी मानसिक हालत ठीक कौन थी। पुलिस थाना प्रभारी ने बताया कि उन्हें रेल लाइन द्वारा शव मिलन की सूचना मिली थी जहाँ तब मौके पर पहुंचे और उन्हें शव अपने कब्जे में लिया। हमने लड़की के घराले के बयान ले लिए हैं। हमने इस मामले में किसी पर कोई शक को नहीं और हम इस बात की तहकीकात करने लग रहे हैं।